दोस्तों, हम निकल पड़े हैं सफर पे जीवीएम मॉल जाने के लिए। तो वहां पे पहुंच के आपको मिलते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं जीवीएम मॉल। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जीवीएम मॉल, ग्रेट वैल्यू मॉल, रामघाट रोड, अलीगढ़। तो अब अंदर चल के आपसे मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बाहर से ही किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ का व्यू है। ये देखिए, बच्चों के खेलने का है ये। इसमें बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं। और ये है कुछ, और ये है जंपिंग, बंजी जंपिंग। ये बंजी जंपिंग है, ये भी कोई, इसका भी कोई नाम होगा। और ये है, और बाकी देखिए ये। ये देखिए, ये बच्चों, छोटे बच्चों के लिए है झूला। और ये ट्रेन वाला है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे आके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं, मेरी दीदी, मेरी छोटी सिस्टर, दीदी के बच्चे, जीजू, सब लोग आए हैं। ये देखिए, सामने मेरी दीदी और सिस्टर हैं, ये भी देख रहे हैं अपना। देखिए यहाँ पे, ये यूनिक कंप्लीट फैमिली फैशन स्टोर बाजार, ज्यादा चॉइस, कम प्राइस, स्वीट स्नैक्स चाट, ये बीकानेर है। ये फैमिली रेस्टोरेंट है। ये सब, अगर ये हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, ये वहां की शॉप्स, ये नीचे की हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं पूरा, बने रहिए ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए ये कुछ जालियाँ लगा दी गई हैं, ताकि कोई, अगर बाय चांस कोई हादसा हो, तो यहाँ से उसको, मतलब, सेफ्टी मिल जाए। तो ये पूरे में जाली लगी हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी के लिए, कि मॉल वगैरह में सेफ्टी पर्पस होना भी चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। ये सारी जो पर्टन है, वो आइसक्रीम स्टॉल पे जाके टिक चुकी है। तो सभी को आइसक्रीम का बहुत क्रेज रहता है। देखिए सामने मेरी जीजू हैं, ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा, आइसक्रीम स्टॉल नहीं है ये, है आप इसे कॉस्मेटिक्स शॉप बोल सकते हैं, ज्वेलरी शॉप बोल सकते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये है आइसक्रीम शॉप, फाउंटेन आइसक्रीम। यहाँ पे बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट भी है, देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ ये बीकानेर है, ये पूरा सेटिंग अरेंजमेंट है बीकानेर का। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलती हूँ मैं, बने रहिए ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और ये पूरा शोरूम है, और इसका नाम स्पेंसर, ये स्पेंसर है। इसका गेट, एंट्री गेट कहीं और से है,
ये, और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो अब हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा शॉप नहीं है, देखिए ये खाली है, ये भी खाली है, और ये स्पेंसर का भी ये यहाँ से एंट्री नहीं है, बस आप ऐसे ही देख सकते हैं, विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। अब देखिए हम ये एस्केलेटर पे चढ़ेंगे। हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सेकंड फ्लोर की तरफ। यहाँ पे भी देखिए ज़्यादा शॉप्स नहीं है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये स्पेंसर का ही मुझे कुछ वार्डरोब और ये स्पेंसर का ही कुछ दिखाई दे रहा है। ये भी पूरा फ्लोर खाली है, सेकंड फ्लोर तो पूरा ही खाली है, इसमें कोई शॉप नहीं है। अब हम थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो मॉल है, ये GVM मॉल, इसमें फोर फ्लोर हैं, और फोर्थ फ्लोर पे मूवी दिखाई जाती है, मतलब पूरा। अब हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, गेमर जोन, ये कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, स्नूकर्स वगैरह जो हैं ये वो हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, देख सकते हैं आप क्या क्या है गेम यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। ये कौन सा है, इसको क्या कहेंगे? हाँ, एयर रॉकेट। क्या हाँ है, कैसे खेलते हैं ये? कॉइन पड़ता है इसमें। अच्छा दोस्तों, मुझे पता नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये है एक गेम, ये पता नहीं कैसे खेलते हैं, मैं तो बस आपको दिखा रही हूँ। और ये है कोई पॉपकॉर्न लिखा हुआ है, स्पेस कोड लिखा हुआ है। और ये है कुछ, ये पता नहीं क्या है, टॉयज दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये भी कोई, ये क्या चीज है भैया, यहाँ क्या होता है? ये देखिए, ये कुछ है, पता नहीं क्या है, ये क्या चीज है भैया? ये बॉलिंग। अच्छा, ये कुछ है, ये तो बंजी जंपिंग है शायद, जो नीचे था शायद ये वही है। ये बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है कुछ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, यही है। अब फोर्थ पे चले, ये देखिए, ये है मेरी दीदी, ये छोटी जो सिस्टर है, ये बच्चे हैं। ये देखिए दोस्तों, थर्ड फ्लोर से ये कैसे दिखाई दे रहा है। अब ये फोर्थ है, ये देखिए, अब हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सबसे लास्ट फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे। और यहाँ कुछ इस तरीके से है, ये कुछ फूड एरिया है, यहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं लोग। और ये राधिका गेमिंग है, यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पे।
ये देखिए पूरा बच्चों के लिए गेम है, अलग अलग तरीके के वैरायटी के गेम है यहाँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा इंजॉय करेंगे। ये भी कोई हॉन्टेड हाउस है, ये हॉन्टेड हाउस है, यहाँ इसकी टिकट है। ये स्टार वर्ल्ड सिनेमा है जहाँ पे हमने काफी मूवीज देखी हैं। लास्ट मूवी हमने कश्मीर फाइल देखी थी यहाँ पे। तो अभी अगस्त में, आई थिंक 11th अगस्त में रिलीज होने वाली है गदर 2, तो वो देखने का प्लान बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ये गेमिंग सिस्टम है और ये कुछ उधर भी कुछ है, ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या है यहाँ पे। ये जो एरिया यहाँ पे लिफ्ट है, ये भी आइसक्रीम कॉर्नर है, ड्रीम आइसक्रीम कॉर्नर। और यहाँ क्या है ये, अच्छा ये खाने के आइटम सारे हैं, फूड आइटम्स का ये पूरा मेन्यू है। तो यहाँ पे आप मेन्यू चूज करिए और वहाँ जाके बैठ के इंजॉय करिए। ये सब खाली पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर ही मेन है, बाकी फ्लोर पे इतना कुछ नहीं है, क्योंकि फोर्थ पे मूवी दिखाते हैं तो मेनली इसमें यहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे आना होता है। और ग्राउंड फ्लोर पे भी अच्छा है, शॉपिंग वगैरह करने के लिए है, बीकानेर है, कुछ खाने पीने के लिए है। अब अगर कुछ खाना पीना होगा तो नीचे से ही बीकानेर से ही खा लिया जाएगा, उसके लिए तो ऊपर कोई आएगा नहीं। हाँ, मूवी देखने के लिए हम आते हैं ऊपर फोर्थ फ्लोर पे, खाने पीने के लिए तो बीकानेर से बेस्ट ऑप्शन कोई और है ही नहीं। तो ये हम वहां से आए थे और हम यहाँ पे आ गए। ये मैंने आपको दिखाई दिया था, अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं? अरे नीचे नहीं जा सकते यहाँ से, यहाँ से दोस्तों नीचे नहीं जा सकते, ये ऊपर ही जाने का है, ऊपर ही जा सकते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों नीचे, मुझे, मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाना पसंद करती लिफ्ट से, तो मैं सीढ़ियों से ही उतरने वाली हूँ। ये लिफ्ट है वैसे यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं पसंद करती लिफ्ट, मैं अपनी स्टेयर से ही जाऊंगी। ये हम थर्ड फ्लोर पे आ गए। यहां से दोस्तों कोई नीचे जाने का तो होगा, एस्केलेटर तो सही रहते हैं, लेकिन मुझे दोस्तों लिफ्ट नहीं पसंद। अच्छा यहां से आए थे। हाँ दोस्तों ये नीचे जाने का है यहाँ पे रास्ता। ये ऊपर के लिए होगी और ये नीचे जाने के लिए है, तो यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। स्टेयर्स से मैं इसलिए नहीं गई कि वहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, दीदी वगैरह सब पहले ही नीचे, वो फोर्थ तक नहीं आए। अब देखिए मैं नीचे सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ। यहाँ पे ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे कुछ नहीं है। हाँ देखिए ये कैसा लग रहा है। अब दोस्तों हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम सेकंड पे आ चुके हैं, अब हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर से। तो हम स्टेयर्स से भी जा सकते हैं
और यहाँ पे एस्केलेटर से भी जा सकते हैं। तो देखती हूँ मैं, ये चल भी रही है या नहीं चल रही है। ये चल नहीं रही है इससे हमें ऐसा, हाँ चल गई दोस्तों, चल गई। देख के चलना पड़ता है दोस्तों, कहीं कुछ हो ना जाए इसीलिए। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर जो मेन है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे भी दोस्तों कुछ नहीं है। वहाँ जाने से बेटर है मैं यहाँ से घूम के जाऊँ, मुझे पूरा वो पार करना पड़ता है। ये स्पेंसर है, ये देखिए। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ये चल नहीं रहा है, हम खुद ही अपने पैरों का सहारा लेके जा रहे हैं। अब देखिए हम दोस्तों आ गए मेन ग्राउंड फ्लोर पे, ये बीकानेर है। ओके दोस्तों, तो फिर अभी आपसे मिलती हूँ मैं, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। देखती हूँ यहाँ पे सब कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों हम बीकानेर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आके अब हम कुछ ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो अब आपको टेबल पे मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी प्लेट आ चुकी है, और ये चाउमीन है, ये छोले कुलचे हैं, और अभी मेरा भी आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगी। आइए आ रहे हैं भैया लेके। ये डोसा है, अच्छा एक इधर, हाँ थैंक यू। अब प्लेट और ला देना खाली। ये इस तरीके से डोसा है, तो छोले भटूरे मिलने वाला है, सांभर है, छोले भटूरे मिलने वाला है, तो शेयरिंग करके इसका देना है। ये चटनी है दोनों, रेड और व्हाइट चटनी नारियल की, और ये डोसा। ओके दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि शाम को अब 7 बज गए होंगे शायद, तो इस समय क्या व्यू है बाहर का। तो देखिए दोस्तों जब हम आए थे तब दिन था, अब रात हो चुकी है, आई थिंक 7 बज रहे होंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी इस समय जब कोई मूवी लगती है तभी यहाँ पे कुछ चहल पहल रहती है, अदरवाइज ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है यहाँ पे, अंदर से इस तरीके से है। वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, और अब हम घर जाएंगे, कुछ ही देर में हम घर निकलते हैं। बाय बाय जीवीएम मॉल, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों हम घर पर आ चुके हैं, और हमारी मम्मी दीदी और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये दो दीदी की बर्थडे का और ये एक मैरिज एनिवर्सरी का यहाँ पे गिफ्ट है जो कि हम इन्हें प्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मम्मी प्रेजेंट करेंगी, फिर हमारे पापा प्रेजेंट करेंगे। तो दीजिए मम्मी। ठीक है, अब आप दो भाई। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।